अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फ़ियाज़ चौधरी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि हम अपनी कंप्यूटर में से जो लोकल डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, उसकी पार्टीशन को कैसे हाइड कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये डिस्क कंप्यूटर है, इसके अंदर मेरे पास ये तीन पार्टीशन हैं, लोकल डिस्क सी, फ़ियाज़ चौधरी और लोकल डिस्क एफ। सी को तो हम हाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये विंडो की फाइल है, इसलिए हम फ़ियाज़ चौधरी वाली डी को हाइड करके आपको दिखाते हैं कि इसको हम किस तरह हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना होगा? फ्रेंड्स, उसके लिए या तो हम सर्च बार में आए, यहाँ पे सर्च करते हैं क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, ये इस तरह की विंडो ओपन होगी। या तो फ्रेंड्स हमें ये करना होगा, डिस्क कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारे पास यही वही विंडो ओपन हो गई है। ये हमारे पास एक है फ़ियाज़ चौधरी डी की पार्टीशन, ये वाली, और ये है सी की पार्टीशन, और ये है एफ पार्टीशन। हम सपोज दैट फ़ियाज़ चौधरी डी को हाइड करना चाहते हैं, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास डी सेलेक्ट है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और वो हमसे परमिशन मांग रहा है, आर यू श्योर के रिमूव करना चाहते हैं। हम कहते हैं यस, रिमूव दिस लेटर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे से जो यहाँ पे एफ आ रहा था, डी आ रहा था, वो रिमूव हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ से हाइड होगी है या नहीं। ये जिस कंप्यूटर हमने ओपन किया, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास लोकल डिस्क सी और एफ शो हो रही है। जो फ़ियाज़ चौधरी वाली थी वो हमारे से गायब हो गया, हाइड हो गया है। अब कोई भी उसको ओपन नहीं कर सकता, ना ही उसे शो होगी कहाँ पर ही है कहाँ नहीं है। तो अब हम फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि इसको वापस कैसे लेके आना है। अगर हमें ज़रूरत इसकी पड़ गई है तो हम खुद इसको कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सेम वही प्रोसीजर है, डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। डिस्क मैनेजमेंट में जाके हमें इसी को सिलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। हमारे पास जब ये सिलेक्ट होगी, ये लाइन्स आ जाएंगे इसके अंदर। जैसे ये देखें, ये सिलेक्ट हुई, ये लाइन्स आ गई, ये सिलेक्ट हुई, ये लाइन्स आ गई, ठीक है। इस पर हमने राइट क्लिक करना है और चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, सेम उसी तरीके से पे जाना है। वहाँ पर चले गए, पहले हमने रिमूव किया था, अब हमें ऐड करना है। फ्रेंड्स वो कह रहा है असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, कि इनमें से कौन सा लेटर आप देना चाहते हैं। कोई भी लेटर हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, क्यू पी या जेड, ए बी सी, हम जो था बाई डिफॉल्ट पे डी था उसको हम रखते हैं और ओके कर देते हैं। ये फ्रेंड्स हमने ओके कर दिया, ये डी लेटर असाइन हो गया और ये हमारे पास ड्राइव भी शो हो गई है। ये देखें फ्रेंड्स हमारे पास फ़ियाज़ चौधरी वाली डी ड्राइव अगेन से शो हो गई है। अब हम इसको ओपन करके अपना डाटा वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट फॉर कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करवाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।